तुरंत पहुंचे। कल ही पट्टी है कड़वा, 11 से 16 वर्ष वर्ग के बच्चे कबड्डी कोर्ट पर बालक वर्ग में। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना था कि सभी प्रदेश भर में या देश भर में सभी सांसद खेल स्पर्धा कराई जाए। विगत वर्षों में हो रहा था तो इस साल भी खेलो बनारस जो हो रहा है उसको सांसद खेलो आदर्श के नाम से ये खेलो बनारस इस बार 22 का हो रहा है। इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतियोगिता हुई थी, इसके बाद न्याय पंचायत स्तर पर हो गई है। अब आज विकास खंडों में खंड स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है जिसमें बालक बालिका दोनों भाग लेंगे, 16 वर्ष से नीचे के और 16 वर्ष से ऊपर के भी, दो वर्ग में हो रही है। जो विजेता बच्चे होंगे उनको आगे भी खेलने का मौका मिलेगा? नहीं, खेलो बनारस अभी तो केवल बनारस तक सीमित रह जाता है। अब आगे अगर कोई होता है तो फिर आगे जाएंगे, नहीं तो ये गांव पंचायत से निकल के और जिले स्तर की प्रतियोगिता पर ये समाप्त हो जाती है। लेकिन इन्हीं बच्चों में से जो टैलेंट होते हैं, जो अच्छे बच्चे होंगे, वो विभिन्न खेलों में भाग लेके वो राज्य स्तर की नेशनल स्तर की प्रतियोगिता तक जाते हैं। खेल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और एक शरीर में ऊर्जा उनको होगी देश के प्रति। हमारे बच्चे जो यहाँ से निकल के आगे जाएंगे फिर वो मेडल देश के लिए मेडल प्राप्त करेंगे, भारत का नाम, प्रदेश का नाम हर जगह ऊँचा होगा जो है।